हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं तुम सारे आई हो, सारे ठीक हो। सो आप चले अज सवा पाँच हो गए, साढ़े पाँच पौने छे बजे मैं बस चढ़ना वा। आप चले अज गुरद्वारा अड़ी सर, तो आप दिखावे जिन्ना हो सकता थोड़े ना शेयर करा जरूर। तो चुन्नी मैं हजे नाल ही रहनी, अज यही चाहती हूँ लै जानी है क्योंकि बाल मेरे गिले आ, तो उत्थे जाके फिर लै लूँगी और पा लूँगी। सो आप चलते हैं हूँ, अमन मैंने चढ़ा के आऊँगा बस, तो मिलते हैं उत्थे जाके। सो हाँ जी गाइस, तो अरमन मैंने छड्ड गया बस स्टैंड, तो मैं हुण बस स्टैंड खड़ी हाँ। बस स्टैंड हैगा वा ये हलवारे का, सो देख सकते हो तुसीं। तो इत्थे नाल ही बस स्टैंड के कोल ही गुरद्वारा साहब आ, तो अज संगरांद करके इत्थे भी कीर्तन हो रहा वा। सुन सकते हो तुसीं, आवाज़ सुनदी हो तुहानूं, कीर्तन कच्चा तो हाँ जी गाइस, तो बस मिल गई अपन, तो बस मिली आ सीधी बठिंडे वाली, तो आप इसके बस से बैठ के चले जाना पांड्या चौंक तक, तो उतो आटो लैके जा। सो डाया चौंक तो गां आप बस आटो लै लेना वा, उत्थे आटे आटो बहुत ज़्यादा लगे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा के काफ़ी आटो लगे होंगे, क्योंकि ना सारी संगत उतों जाती है अड़ीसर गुरद्वारा साहब, तो सारे आटो लैके जाते। सो हाँ जी गाइस, आटो आप ले लिया, तो आटो च बैठ गई मैं, तो आटो पूरा फुल भर के लेके जाते दस बारह सवारियां दा। जो आटो भर जाता वा ना, फिर इस तो बाद फिर आटो तोड़ते, आटोआं दी बारी वाइज लगियां होंदियां, नंबर वाइज लगे होंगे आटो, जो एक का भरदा वा फिर उदों उहदा तोड़ के फिर दूजे का भरदे आ, इस तरह करके आटो भर भर के लैके जाते। सो हुण आपां पहुँच गए हाँ अड़ीसर गुरद्वारा साहब, आटो तो आपां उतर गए, तो तुर के जाने आटो उतर के काफ़ी वाट, थोड़ी जी वाट आ जानी, काफ़ी भी नहीं गी कह सकते, तो मॉर्निंग करके हजे अद्धियां दुकानां खुल्लियां नहीं गियां। सो देख सकते हो तुसीं, तो आप तुर के जाने गुरद्वारा साहब, तो इधर ही साइड तो दुकानां अद्धियां खुल गईयां वा, इधरों हजे खुल्लियां नहीं गियां। सो आप गुरद्वारा साहब के गेट के एंटर कर लगे हाँ, बाबा जी मेहर कर सब दियाँ मनोकामना पूरिया कर बाबा जी। तो आप गुरद्वारा साहब पहुँच गए। सो गुरद्वारा साहब के दर्शन कर सकते हो तुम, इधरली साइड गुरद्वारा साहब आ, तो इधरली साइड है लंगर हाल, तो लंगर हाल के मूहरे बोरिया च बोरिया लेके संग सेवादार बैठे आ, जिमें कोई सेवादार संगत ना राशन पानी लेके आती है, तो बोरिया के फड़ फड़ के पाई जाते हैं, आटा चौल दाल जो भी आप शरदा नाल पा सकते हैं। सो देख सकते हो बहुत ही वधिया गुरद्वारा साहब आ, तो मन रूह खुश हो जाती है, संगत बैठी आ मत्था टेक के बाहर आके बैठ जाती है संगत, अंदर वीडियो नहीं बना देंगे। सो इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी जी बनाई सी बस, जो मैं बैठी सी उत्थे मत्था टेक के। सो बाबा जी सारिआं दे मेहर भरे हाथ रखण बस। सो आपां हुण मत्था टेक लिया वा, मैं सारे मत्था टेक के प्रशादा पानी छक के, तो हुण आपां जावांगे वापस पिंड नूं। सो हाँ जी, आप वापस चल पे, तो मेरे वापस आने तक सारिया दुकाना खुल गई वा, जो मैं गई से उस टाइम कोई दुकान नहीं सी खुली, मतलब थोड़िया खुलियां सी, थोड़िया बहुत बंद सी। इधर मैंने आ समान वधिया लग्या लकड़ दा, तो थोड़ी देर देखिया मैं खड़ के भी जिहड़ा कुछ वधिया लगता वा तो मैं कुछ लै लैनी हाँ, बट मैनू कुछ भी पसंद नहीं आया, सोहना नहीं लग्या। तो इत्थे मैनू वधिया लग्या थोड़ा जिहा, मैनू सुकून जिहे होक, तो कुछ मैं इदा लगे कि मैं कुछ ना कुछ ले लवाना, जिम्मे किचन का समान है ना कोई चीज़ वरती जाती, रोटी चौपड़ ना राजे गुगू निका जहा जवाक सुनता ही नहीं मेरी। सो आज दे सारे कि सोहना सोहना समान आ,
ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਟੋ सो गाइस आटो ले लिया तो आटो च बैठ गए हैं पर आटो वाला ने ना उन्ना टाइम नहीं तोरना जिन्ना चिर आटो भरदा नहीं गा बीबिया नाल संगत नाल भरदा नहीं गा उन्ना टाइम आटो लेके नहीं तोरदे पूरा फुल आटो भर के फिर तो आपां पहुंच गए घरे ते मत्था टेक आए ते हुण मैं आके पहला थोड़ा टाइम आराम किया 2 मिनट बैठ के फिर मैं हुण चाह धर के आई हां चाह बना के चाह धर पी जानी मैं जाना हुण नहाउण नहा के आउंदी नूं मेरे चाह रिझी धूल रिझण लग जूगी ते मैं हुण पी लगी चाह ते नहा के आ गई मैं चाह बना ली सी चाह दे नाल 2 परौंठे खा ले एक गिली चाह दे नाल 2 परौंठे ते एक गिली चाह पी ली ते दुबारे फिर चाह पा के ले आई ते हुण फिर मैं चाह पीऊंगी ते नाल मैं समान दिखाउनी आ आ लैके आंदा मैं ब्रश रोटी चोपण वाला घिओ मतलब परौंठे बनाउण वाला ब्रश ते आ लैके आंदी आ लूण मिर्च पाउण नूं लूण मिर्चां डब्बियां है तां सीगियां 2-3 इक अद्धी दी होर लोड़ सी मैनूं क्योंकि ना ते चाह पी लो गाइस सो चाह दे नाल ही अज दा ब्लॉग एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के जब तक लिए बाय बाय गाइस।